दोस्तों जिन गाड़ियों में मैट पेंट होता है, चाहे कार, बाइक या फिर स्कूटर हो, तो स्कूटर में ही बेसिकली मैट पेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मैट पेंट को दोस्तों मेंटेन रखना नॉर्मल ग्लॉसी पेंट के मुकाबले बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैट पेंट के ऊपर में कोई ग्लॉसीनेस या फिर शाइनिंगनेस नहीं होता। साथ ही साथ मैट पेंट का सर्फेस जो होता है वो भी थोड़ा सा रफ होता है, जिसके कारण मैट पेंट के ऊपर में कोई सिलिकॉन पॉलिश या फिर नॉर्मल ग्लॉसी पेंट का कोई पॉलिश का यूज़ किया जाए तो मैट पेंट के ऊपर में शाइनिंगनेस आ जाएगा और साथ ही साथ मैट पेंट का सर्फेस भी स्मूथ हो जाएगा, जिसके कारण मैट पेंट का ओरिजिनल लुक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैट पेंट के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट है हमारे पास, ऑटोस्पा का मैट फिनिश स्प्रे पॉलिश। और ये जो पॉलिश है दोस्तों, इसके मदद से आप अपने कार या फिर बाइक के मैट पेंट को उसके ओरिजिनल नया वाला लुक और कंडीशन में मेंटेन रख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस मैट फिनिश पॉलिश में क्लीनिंग प्रॉपर्टीज रहने के कारण इसको आप पॉलिश कम क्लीनर जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मैट फिनिश पॉलिश को किस तरीके से यूज करना है और यूज करने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है, जानने के लिए कृपया वीडियो को एंड तक देखिए। और आप में से जो लोग ऑटोस्पा मैट फिनिश स्प्रे पॉलिश को परचेस करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने परचेस लिंक डाल दिया है। और चैनल में नया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना ना भूले। बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ तभी हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। और सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से फ्री है दोस्तों, ना ही मुझे कोई पैसा मिलता है इसका, ना ही आपका कोई पैसा जाता है। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ऑटोस्पा मैट फिनिश पॉलिश का ये जो बॉटल है मेरे हाथ में, ये है 500 ml का एक स्प्रे बॉटल। बॉटल की साइड में देखेंगे तो फीचर्स वगैरह साफ साफ मेंशन है, जीरो वैक्स, जीरो सिलिकॉन, मतलब इस पॉलिश को यूज करके मैट पेंट के ऊपर में कोई ग्लॉसीनेस नहीं आएगा। दूसरा फीचर्स वगैरह यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर देखिए क्विक क्लीन ऑल ऑयल्स, मतलब ये जो पॉलिश, इसको पॉलिश कम क्लीनर भी आप बोल सकते हैं। इसकी मदद से ग्रीज, ऑयल मार्क्स, फिंगरप्रिंट्स, डस्ट वगैरह को आसानी से रिमूव कर सकते हैं मैट पेंट के ऊपर से। और बॉटल की साइड में देखेंगे तो ऑटोस्पा मैट फिनिश को यूज करके क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, हर एक चीज यहाँ पर मेंशन है, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है यूवी रेज और डेली रूटीन पॉल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करता है मैट पेंट को, लेकिन उस चीज के लिए इस पॉलिश को लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना पड़ेगा, वीडियो में टेस्ट करके दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। और किस तरीके से पॉलिश को यूज करना है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ये जो मैट फिनिश पॉलिश है दोस्तों, इसका फ्रेग्रेंस जो है लेमन फ्लेवर का है, जो कि मैं पहले टेस्ट कर चुका हूँ। दोस्तों ऑटोस्पा मैट फिनिश स्प्रे पॉलिश को यूज करने के लिए आपको जरूरत होगा एक क्लीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ का, तो आपको कभी भी नॉर्मल क्लॉथ का इस्तेमाल नहीं करना है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज करना है। तो मैट फिनिश पॉलिश जो इसको यूज करने का तरीका एकदम सिंपल है। तो यहाँ पर हमारे पास सुजुकी बार्कमैन जो स्कूटर है, इसके मैट पेंट के ऊपर में ही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस पॉलिश के अंदर में क्लीनिंग प्रॉपर्टीज रहने के कारण आप चाहे तो डायरेक्टली डस्टी सर्फेस पर ही इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। मेरे ख्याल से आप क्लीन कर लीजिए उसके बाद ही यूज कीजिए तो ही बेहतर है, अदरवाइज मैट पेंट का सरफेस जो थोड़ा सा रफ होता है, जिसके कारण डायरेक्टली डस्टी सरफेस पर यूज करने पर छोटा मोटा स्क्रैच मार्क्स आने का भी चांस रहता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्लीन सरफेस और डस्टी सरफेस दोनों पर यूज करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये वाला जो सरफेस है ये पूरा मैट पेंट है, बीच से एक मास्किंग टेप चिपका दिया है, हालांकि ग्लॉसीनेस तो नहीं आएगा, जिसके कारण डिफरेंस कितना देखेगा मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर यूज करने का जो तरीका है दोस्तों, सिंपली आपको स्प्रे कर देना है थोड़ा सा, उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको वाइप अप कर देना है, बस आपका काम हो जाएगा। कोई ना तो वेट करने का जरूरत है, ना ही कोई ड्राई करने का जरूरत है। तो यहाँ पर वाइप अप कर दिए, देखिए। तो ये वाला चीज़ डेफिनेटली दोस्तों मैट पेंट के जो ओरिजिनल लुक है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मास्किंग टेप जो है इसको हटाएंगे और देखते हैं कुछ डिफरेंस दिखता है या नहीं। ग्लॉसीनेस तो डेफिनेटली नहीं आया है, जिसके कारण डिफरेंस कैमरा में आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सामने से थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ से देख सकता हूँ इस साइड के साथ इस साइड में। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम ये वाला इस साइड के जो मैट पेंट है यहाँ पर देखिए डस्ट वगैरह लगा है, तो इसके ऊपर में ही हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। उस साइड में क्लीन सरफेस पर यूज़ किया था, ओरिजिनल लुक में ही ये वाला सरफेस आ चुका है, अभी देख लीजिए। एक चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूं यहां पर, ये जो पॉलिश है लगने के साथ साथ इवेपोरेट हो रहा है, आप एक बार देख लीजिए, मैं जूम करके दिखाता हूं, देख लीजिए इवेपोरेट हो रहा है। ये वाला चीज काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, पॉलिश का कोई मार्क नहीं रहेगा आपके मैट पेंट के ऊपर में, देखिए ये भी धीरे धीरे इवेपोरेट हो जा रहा है, देखिए
देखिए बहुत बढ़िया लगा मुझे ये चीज़। स्कूटर के फ्रंट मडगट के जो मैटमेंट है, देखिए डिफरेंस आपको दिखेगा, यहाँ पर डस्ट है इसलिए, यहाँ पर डस्ट वगैरह लगने की वजह से यहाँ पर डिफरेंस और भी क्लियरली दिख रहा है। ये वाला सरफेस का जो मैटमेंट है इसका ओरिजिनल लुक में आ चुका है, लेकिन वहाँ पर डस्ट वगैरह पड़ने की वजह से देखिए वहाँ पर लुक जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा जूम करके भी दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो क्लीनिंग भी दोस्तों डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का करता है। दोस्तों आप में से जिन लोगों के पास भी मैट पेंट वाला व्हीकल है, चाहे कार हो, बाइक हो या फिर स्कूटर हो, डेफिनेटली आपको ऑटोस्पा का इस मैट फिनिश स्प्रे पॉलिश को खरीदना चाहिए। अगर आप अपने कार या फिर बाइक या फिर स्कूटर के मैट पेंट को एकदम नया लुक में मेंटेन रखना चाहते हैं, नया जैसा रखना चाहते हैं, तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नया वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।